बेटियां बाबुल के घर में झिलमिलाती हैं, विदा होकर एक रोज चली जाती हैं। गूंज उठता है वो आंगन खुशी के गीतों से, बहू और बेटी जहां एक साथ खिलखिलाती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर वन डिबेट शो बिग बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। एक परिवार का यह खुशनुमा माहौल जो महज चंद घंटों में ही तहस नहस हो गया, बताएंगे कैसे, लेकिन पहले सुर्खियां। जी हां, तो एक परिवार की जो खुशियां थी वो चंद घंटे में ही मातम में तब्दील हो गई, क्योंकि खाकी के इकबाल पर भी तमाम सारे सवाल खड़े करती हैं। एक दुल्हन जो कि डोली में सवार होकर, गाड़ी में सवार होकर जा रही थी ससुराल, लेकिन ससुराल नहीं पहुंची, उससे पहले ही हो गया उसका अपहरण। तो जनाब, मसला राजस्थान के सीकर जिले के धोंद इलाके का है, जहां एक दुल्हन का अपहरण किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस पूरी वारदात को फिल्मी स्टाइल में, फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया। पुलिस ने अपहरण करने वालों की तलाश में जिले भर में नाकेबंदी कराई, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा, जिसके बाद प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के बीच राजनीतिक दल आक्रामक हो रहे हैं, तो वहीं इसे कानून व्यवस्था की नाकामी भी बताया जा रहा है। इधर जनता भी मसले पर आंदोलन करने की बात कर रही है। बिग बुलेटिन में आज हम खाकी के इकबाल को टटोलने की कोशिश करेंगे। चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सीकर जिले में विदाई के बाद ससुराल में कदम रखने से पहले ही रास्ते से दुल्हन का अपहरण किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रामबक्सपुरा गांव में बुधवार तड़के शादी से लौटते वक्त बारात पर हमला कर अज्ञात लोगों ने दुल्हन का अपहरण कर लिया। इस घटना के बाद शहर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। दुल्हन के लिए जिले भर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो वहीं स्थानीय राजपूत समाज के नेताओं ने जल्द ही दुल्हन को बरामद कर अपहरणकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, बसपा विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने तो प्रदर्शन करते हुए खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए उनकी माचिस छीन ली। वहीं परिजन भी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग और दुल्हन को छुड़ाने की बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्टर साहब रोड पर आकर के बैठे हैं, एडिशनल एसपी थे, अभी वार्ता हुई है, इन्होंने कहा है कि कुछ मुलजिमों को पकड़ लिया है और जल्द से जल्द ही हम और मुलजिमों को पकड़ लेंगे। आज बहन बेटियों की हमारी डोलियां सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, तो हम जी करके क्या करेंगे। इसलिए आज जो फैसला लिया है इस करनी सेना और सारे राजपूत समाज ने कि डोली के बदले खून, डोली के बदले अर्थी, हमें हर हाल में हमारी दुल्हन चाहिए, चाहे प्रशासन कुछ भी करे। शासन प्रशासन, मैं हमेशा कहता हूं, जहां फेल हो जाता है वहां हम कानून हाथ में ले लिया करते हैं। और मुकेश रिवार्ड है और उसका भाई भी है, गोलू गोलू नाम बोलते हैं उसको। आप गाड़ी में थे क्या उस समय? गाड़ी में। कौन कौन लोग आए थे उस समय गाड़ी में? उस टाइम पे हम गाड़ी पे थे, उस टाइम उन लोगों ने सरिया लाठी सरिया मारना शुरू कर दिया, इसलिए हम हमारे को बचाने के लिए हमारे को ये पता नहीं था कि ये लोग हैं। बाद में वो उधर साइड में गए तो हमने देखा कौन है, उस टाइम पे पता चला कि ये दो लड़के हैं। दो लड़के को हम पहचान सके और वो हम पहचान नहीं पाए। तो कौन कौन थे दो लड़के जो थे? अंकित सेवदा और मुकेश रिवार्ड, ये दो लड़के तो थे। और उसका भाई था एक छोटा गोलू गोलू नाम का मोटा सा लड़का है। हम निकले वहाँ से 2:15 बजे। 2:15 बजे निकलने के बाद में पीछे से वो हाईवे था, वो गाड़ी आ गई पता नहीं, और दूसरे फिर वो दो बोलेरो आई थी, एकदम सामने लगा दी गाड़ी और एक पीछे लगा दी, उसमें से उतरते हमें तो बोलने पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने दादू सरियों से लट्टों से वार करना शुरू कर दिया, गाड़ी की चाबी घोंच दी, फिर हम लोगों से भी मारपीट की और उन्होंने गाड़ी नुकसान करके और पीछे वाला कांच तोड़ के और उस लड़की को निकाल के और दिल्ली निकाल के ले गए। गाड़ी में कितने लोग सवार थे आप? हम लोग तो 4-5-6 जने थे और 10-12 लोग। इस पूरे प्रकरण को राजस्थान पुलिस महानिदेशक ने भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दुल्हन के अपहरण के इस मुद्दे पर सियासत भी गरमाई है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है, तो वहीं कांग्रेस ने भी घटना को गंभीर मानते हुए इस मुद्दे पर सियासत करने को गलत ठहराया है।
सीकर की घटना गंभीर घटना है, उसके पीछे कुछ कारण है जिनके मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। पुलिस पूरा प्रयास कर रही है कि जिन जो लोग वहां से भागे हैं उनको या भगाए गए हैं उनको पहले हम उन तक पहुंचे और फिर असलियत मालूम करेंगे कैसे क्या हुआ, और सभी से संपर्क में हैं जो इनसे जिनके जिसे जिन्हें इससे दुख पहुंचा है उनके भी संपर्क में, दूसरे लोगों के भी संपर्क में, और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उन तक पहुंचकर इस घटनाक्रम का पटाक्षेप करें। प्रदेश में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है कि शादी कर विदा हुई बेटी का भी बदमाशों ने अपहरण कर लिया, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जहां उसका अपहरण हुआ वो जिला हेडक्वार्टर से मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर। ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार में जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत हैं, अब बेटियों की डोली भी पुलिस के पैरे से निकलेगी। क्राइम तो कोई भी कर सकता, क्राइम हो गया, बिल्कुल मानते हैं ये घटना हुई है और ये घटना बड़ी दुख भरी घटना है, लेकिन बहुत जल्दी अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है और बहुत जल्दी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। इसको ये बिल्कुल गलत हुआ है। नहीं देखो, जाति रंग की कोई बात नहीं है, वास्तव में ये तो अन्याय तो हुआ ही उसके साथ में। अगर उसकी जगह अगर मैं भी हूं तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा इस बात को। अन्याय तो हुआ ही, जाति की बात नहीं है, तो एक न्याय की बात है कि उसके साथ में अन्याय हुआ। बहरहाल चुनावी सरगर्मियों के बीच मामले पर आक्रामकता तो दिखाई जा रही है लेकिन संवेदनशीलता नहीं। घटना को लेकर लोग जहां आंदोलन की बात कह रहे हैं तो वहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। यही नहीं, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालों के साथ साथ अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग भी अलापा जा रहा है। कुल मिलाकर कहना गलत नहीं होगा कि इस अपहरण से जुबानी सियासत को संजीवनी जरूर मिल गई है, जो कि किसी भी लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो परिवार बेटी की विदाई करता है, दो बेटियों को विदा करके ससुराल के लिए रवाना करता है, लेकिन उन बेटियों के साथ क्या होता है रास्ते में? ससुराल से महर 4 किलोमीटर पहले कुछ बदमाश आते हैं 10 से 12 की संख्या में और ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं उस गाड़ी पर, उसमें से छोटी बेटी का अपहरण कर ले जाते हैं। परिवार जो है, जो उसमें लोग मौजूद थे, वो बदहवास रह जाते हैं कि आखिर एकाएक हुआ क्या, क्योंकि 12 से 13 लोगों का हाथों में लाठी डंडे के साथ सरिया रखना और उसके बाद एकाएक ताबड़तोड़ उन लोगों पर हमला कर देना, जाहिर सी बात है कोई भी हक्का बक्का रह जाएगा। ऐसे में छोटी बेटी, जो दो बेटियों को विदा किया था, बड़ी बेटी और छोटी बेटी, उसमें से छोटी बेटी का अपहरण करके बदमाश ले गए। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कानून व्यवस्था क्यों इतनी चरमरा गई है और क्यों खाकी का इकबाल अपराधियों के जहन में कायम नहीं हो पा रहा है। इन्हीं तमाम पड़तालों की कोशिश करेंगे, इस चर्चा में समझेंगे कि आखिर कहां कमी रह जा रही है। हाईटेक होते इस जमाने में पुलिस क्यों नाकाम है? रुक करेंगे राजस्थान जयपुर स्टूडियो का। हमारे साथ पैनल में खास मेहमान मौजूद हैं, संगीता गर्ग हैं हमारे साथ, प्रदेश कांग्रेस की सचिव हैं, श्याम सुंदर झा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, मानचंद खंडेला हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया लूंगा। संगीता गर्ग जी, आखिर कहां चूक रह जा रही है, कहां कमी रह जा रही है जिसकी वजह से लोगों के जहन में, अपराधियों के जहन में खाकी का इकबाल कायम नहीं हो पा रहा? एकाएक अपराध संगीन घटनाओं को अंजाम दे देते हैं लोग। देखिए सुनील जी, जिस तरह की घटना हुई है निश्चित रूप से ऐसी मानवीय घटना है जो समाज में रोष और खौफ दोनों पैदा करती है, और समाज के लोगों में जिस तरह का एक मैसेज जाना चाहिए कि शादी हो गई, बच्ची विदा हो रही है, लेकिन विदाई के बाद उस बच्ची का अपहरण किया गया, तो निश्चित रूप से ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं। निंदनीय घटनाएं हैं, समाज में नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो पर्दे के पीछे होती है और हम कुछ अनछुए पहलू होते हैं जिनसे हमें पता नहीं होता कि क्या बात है, क्योंकि मैं उन पहलुओं पे जाऊंगा ही नहीं। मैं नहीं जानना चाह रहा पर्दे के पीछे क्या है।
मैं पर्दे के आगे की कहानी पर चर्चा करूंगा। 10 से 12 लोग आते हैं लाठी डंडे हाथ में सरिया लेकर, क्या इसकी इजाजत कानून देता है? क्या पर्दे के पीछे क्या है वो छोड़ दीजिए, लेकिन एकाएक हमला होता है, मारपीट होती है और एक बेटी को यहाँ से अगवा कर लिया जाता है। निश्चित रूप से सुनील जी, मैंने जैसा कहा कि इस तरह की घटनाओं के समाज में कहीं कोई स्थान नहीं होता, लेकिन फिर भी इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो समाज में रोष भी पैदा करती है और खौफ भी पैदा करती है। और इस खौफ को खत्म करने के लिए जो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई होती है वो तुरंत और त्वरित कार्रवाई जो होनी चाहिए, उसके लिए डीजीपी कपिल गर्ग जी ने आश्वासन भी दिया और कहा भी है कि पुलिस टीम गठित कर दी गई है और निश्चित रूप से जल्द ही जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अभी कुछ हाथ लगा कपिल गर्ग जी, अभी कुछ हाथ लगा पुलिस को? देखिए सुनील जी, मैंने कहा कि ये घटना हुई उसके बाद पुलिस ने तुरंत इस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम को गठित किया है और गठित करने के बाद में उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है। कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं जिनको हम नहीं बोल सकते और इस चीज को हम नकार भी नहीं सकते कि कुछ ऐसी चीजें रही होंगी जिसके तहत ये वारदात हुई है, अन्यथा कोई विदाई के बाद किसी दुल्हन को अगवा करना तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां या खामियां, कुछ ऐसे पहलू हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। संगीता जी, लेकिन डीजीपी कपिल गर्ग जी ने खुद मौजूद बात कही, उसने कहा कि हमने भैया पहचाना 2-3 लोगों का, उसने नाम भी लिया, हमारी रिपोर्ट में भी दिखाया, कोई अंकित था, छोटू गोलू करके कोई था, ये लोग थे। क्या इनका इतिहास, इनकी पकड़ से इन लोगों को अभी पकड़ पाना पुलिस के लिए बड़ी टेढ़ी खीर साबित क्यों हो रहा है? कहाँ चले गए एकाएक ये लोग, मुल्क छोड़ गए क्या? घटना को इतना समय बीत गया और पुलिस कह रही है कि हम अनछुए पहलुओं पर चर्चा नहीं करना चाहते। सुनील जी देखिए, डीजीपी कपिल गर्ग जी ने खुद इस बात के लिए आश्वस्त किया है और कहा है कि तुरंत हम आरोपियों को पकड़ेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, तो इस बात से हमें निश्चिंत होना चाहिए कि तुरंत उनकी गिरफ्तारी भी होगी और आरोपियों को जल्द ही जनता के सामने आ जाएगी। आपकी बात आई, मसला इतना हल्का होता और डीजीपी आके कह रहे थे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, गठित कर दी है टीम, मैं मान लेता, लेकिन ये मसला इतना छोटा नहीं जितना इसको आप बता रही हैं। श्याम सुंदर झा जी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं के समाज में कहीं कोई स्थान नहीं है और नहीं होना चाहिए। गर्ग जी ठीक है, आपकी बात आई, झा साहब का भी नंबर, राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है, आतंक इतना फैला हुआ है और अपराधियों का जो मनोबल है इतना प्रबल हो चुका है कि किसी की बहन बेटी को भरे दिन में उठा के ले जाते हैं, किसी की डोली जा रही हो उसको उठा के ले जाते हैं और प्रशासन देखता रह जाता है। मुख्यमंत्री जी अपने बेटे का भविष्य बनाने में लगे हुए हैं, पूरा प्रशासन और पूरी सरकार जोधपुर में बैठी हुई है और यहाँ पूरे राजस्थान में अपराधियों का इकबाल बुलंद हो रखा है। एसपी के ऊपर फायरिंग कर देते हैं माफिया। अरे अशोक गहलोत जी, शर्म करिए, आपको इसलिए नहीं मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान की जनता ने कि आप अपने बेटे का भविष्य सुधारें, आपको पूरे राजस्थान की जनता के लिए सोचना था। 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार जाता है और उसको गाड़ दिया जाता है। मैं इस मामले में राजनीति को न घुसाऊंगा। 84% आंकड़ा बढ़ा है अपराध का। राजनीति छोड़ दीजिए, राजनीतिक पहलुओं को बाद में उठा लेंगे किसी दिन। आज मैं लाया कि आखिर कहां कमी कहां चूक रह जा रही है कि खाकी का इकबाल कायम नहीं हो पा रहा अपराधियों के जहन में, उसमें आपके भी 5 साल हैं। ऐसा नहीं है इससे पहले अपराध नहीं था या क्राइम नहीं था, हमने देखा कुत्ते चोरी हो जाते हैं तो उसके लिए आप पुलिस लगा देते हैं, मालूम है हमें अपराधियों में, मालूम है हमें आम आदमी में भय इस कदर का मानसिंह खंडेला जी सरकार में बना हुआ है जी। राजनीतिक दल राजनीति की बात करेंगे, संगीता जी कहेंगी बहुत बढ़िया सब कुछ, झा साहब कहेंगे नहीं नहीं हम बिल्कुल कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, तमाम सारी चीजें, लेकिन जनता सब जानती है और हम भी लगातार दिखा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर लगातार हम पुलिसिंग पर हर तरह की व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, हर बार अपने बजट में कुछ न कुछ नया इजाफा करते हैं कि पुलिस बेहतर हो, बावजूद इसके लोग कानून को हाथ में लेने से नहीं चूक रहे। देखिए मैं एक बात तो इस तथ्य में बताना चाह रहा हूं कि मैं उसी एरिया का हूं, खंडेला का जी, सेकंड डिस्ट्रिक्ट में, मैं उसके बारे में गहराई से जानता हूं, ये बात तो मैं बाद में बताऊंगा। आपने बिल्कुल 100% सही बात कही कि कारण क्या है, कारण भी आपने पर्दे पे दिखा दिया। मेरे को अर्थी चाहिए,
मेरे को खून चाहिए। जब कानून काम नहीं करता है तो हम कानून को हाथ में ले लेते हैं और कानून दुबका बैठा है, बिल्कुल भीरू भीरू हो रहा है ये कि साहब ये कम से कम राजनीति इसमें नहीं हो जाए। अब मुझे बताइए, जब सरेआम ये कहा जाएगा प्रशासन और शासन कुछ नहीं रिएक्ट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ हम लीपापोती करेंगे, हम आश्वासन दे। अब देख कितना अजीब किस्म का हम तर्क दे रहे हैं, गर्ग साहब ने आश्वासन दे दिया ना, इसका मतलब काम होगा। ऐसा कौन सा घटना होती है जिसमें आश्वासन नहीं दिया जाता है? अब मुझे बताइए, अगर ये तर्क दिए जाएंगे इसका मतलब आप भीरू हो रहे हैं, आप डरपोक हो रहे हैं, आप अपने कहीं ना कहीं पे पतली गली से निकलना चाह रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि हाईवे का जमाना क्या, मैं बताऊं आपको, शेखावाटी में विशेष तौर पर जो खंडेला के आसपास के एरिया है उसमें गैंगिस्ट है और गैंगिस्ट को संरक्षण राजनीति बाजों का है। मैं राजनीति नेता नहीं कह रहा हूं, जानबूझ के कह रहा हूं, राजनीति बाजों का है और राजनीति बाजों के चक्कर में ये सारे के सारे काम होते हैं। सवाल है कि कोई ये निकल के चला जाए? अब मुझे बताइए, अगर किसी का कुत्ता चला जाए, भैंस चला जाए, निकाल के ले आती पुलिस, अब इस तरह का काम नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, वहां गोली निकल जाती है और उसके बाद में कुछ नहीं होता। और इसका मैं खौफ की बात आप कह रहे ना, खौफ मालूम है कितना है? सामने लाया जाता है जो 100% मुलजिम है, जिसने गोली चलाई है, उसको जिसने गोली खाई है वो कहने की स्थिति में नहीं है वहां पर। वो कहता अगर मैं कह दिया तो वापिस घर के भेजाऊंगा। जहां पे इस तरह का आतंक है तो आप क्या समझते हैं कि वहां पे प्रशासक, शासक, राजनीति बाज और ये गैंगिस्ट ये बिल्कुल मिले हुए हैं और ये इनके जो कुछ है ना, ये सारे के सारे ठीक है। बड़े सारे तथ्य क्लियर किए आपने खंडेला जी, बिल्कुल जी, ये फैक्ट है और इन्हीं फैक्टों के चलते ये चादर फटी हुई है। राजेंद्र सिंह शेखावत जी, लंबा अनुभव रहा है आपका, आपने व्यवस्थाओं को देखा है, आपने भी अपने कार्यकाल में तमाम सुलझे अनसुलझे पहलुओं को देखा, तमाम सारी चीजें आपके सामने आई होंगी। मैं ये जानना चाह रहा था, क्या वाकई में ये सिर्फ सफेद पोशों के यानी कि आकाओं के इशारे पर ही खेल चलता है या खाकी का कुछ है खौफ लोगों के जहन में? अगर खाकी का खौफ होगा तो शायद कुछ ना कुछ घटनाओं को अंजाम देने से पहले तो सोचेंगे, लेकिन यहां तो बेखौफ हो चले हैं। नहीं सुनील सिंह, सुनील सिंह जी, ये बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना है जी। और इस घटना से प्रतीत हो रहा है कि खाकी का खौफ कम हो गया है जी, इकबाल कम हो गया है। एक थाने में 20-25 सिपाही होते हैं, पर जो पुलिस का इकबाल होता है उससे 2-2, 3-3 लाख की जनसंख्या के थाने होते हैं, उन पे कंट्रोल होता है। पर इस घटना ने साबित कर दिया है कि राजस्थान के अंदर पुलिस का इकबाल लगातार कमजोर होता जा रहा है जी। और वो कमजोर क्यों हो रहा है? जिस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है जी। आज थाने में एक सिपाही भी लगता है तो एमएलए की डिजायर से लगता है, कोई थानेदार भी लगता है तो एमपी की डिजायर से लगता है, एसपी लगता है तो मंत्री की डिजायर से लगता है। जिस राजस्थान में पहले पुलिस ने अपने आतंकवादियों के प्रति या जो भी कानून व्यवस्था की स्थितियां हुई जिनको चुनौती के रूप में स्वीकार करके सफलतापूर्वक उसको स्वीकारा है, आज ये हालत देखने को मिल रही है, ये बहुत ही अफसोसजनक है। आप देखिए कि पुलिस के पास संसाधन नहीं है, पुलिस के पास पूरा जाब्ता नहीं है और पुलिस एक तरह से आप देखिए चरमरा चुकी है। और ये जो राजनीतिक संरक्षण के लोगों के बीच और गुंडों के बीच में, दोनों के बीच में पिस रही है, उसको कोई, आप ये देखिए कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं है। बड़े बड़े कानून व्यवस्था के आंदोलन होते हैं उसमें पुलिस के कर्मचारियों को मार दिया जाता है, पर उनको कोई भी प्रोटेक्शन देने वाला नहीं है, उनके मुकदमों में एफआईआर लगा दी जाती है, उनके मुकदमों में कोई कार्रवाई नहीं होती है और पुलिस का मनोबल लगातार गिरता जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या आप सोच सकते हो कि पुलिस है वो इस तरह का काम कर पाएगी? और ये जिस तरह से शेखावटी के इलाके में गैंगस्टर बढ़ रहे हैं, आप देखिए कैसे जेलों के अंदर हमले कर रहे हैं, जैसे कैसे शराब माफिया पनप रहे हैं, कैसे ड्रग माफिया पनप रहे हैं, कैसे भू माफिया पनप रहे हैं। एक बड़ी तस्वीर को आपने एक बड़ी तस्वीर को उजागर किया और सबसे बड़ी बात ये कि आप खुद जो है इस व्यवस्था में रहे हैं, बावजूद इसके आपने बड़ी ही बेबाकी से ये बात कही कि हाँ, इस बात को भी कबूला कि खाकी का इकबाल अब तराजू पर है क्योंकि वह कायम नहीं हो पा रहा, वो धरातल पर नहीं है। खाकी का इकबाल नेताओं के बंगले और उनकी चौखटों पर है, बड़ी अच्छी बात कही। संगीता गर्ग जी, इन्हीं सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रदेश की जनता ने आपको सिंहासन पर बिठाया, बोले संगीता गर्ग आएंगी तो महिलाओं के लिए तो कम से कम ऐसा कुछ कर देंगी कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएं। यहां तो एक बेटी की विदाई के बाद ही उसके साथ
इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। सुनील जी, निश्चित रूप से मैं एक स्वयं एक महिला हूं और महिला के दर्द को और उसके परिजनों के दर्द को भलीभांति समझती हुई हूं। किसी परिवार की बच्ची जब इस तरीके से अपहरण होकर गायब हो जाती है तो उन परिजनों पर क्या बीतती है, इस बात को मैं महसूस भी कर सकती हूँ। उसी के लिए हम चिंतित भी हैं, परेशान भी, और इसी के तहत डीजीपी ने जो कहा है उस पर आप विश्वास बनाए रखिए कि डीजीपी ने कहा है कि हम तुरंत ही आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो श्याम झा जी जिस तरह के आरोप कांग्रेस पर लगा रहे थे उसका भी मैं एक बार जवाब देना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के हितैषी रही है और उनके स्वाभिमान, सशक्तिकरण और स्वावलंबन के हेतु हमेशा काम किया। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा कि आपके शासन में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, तो एक बार इनको अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए कि किस तरीके से महिलाओं का मतलब मैं रोकूंगा और माफी चाहूंगा। सुनील जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का पक्षधर नहीं, मैं आपसे सिर्फ वो बातें कर रहा हूं जो मैंने अपनी चर्चा में, अपने पैकेज में दिखाई, जो रिपोर्ट में दिखाई। वहां एक व्यक्ति कहता है कि अगर जो है न्याय नहीं मिला तो हम खुद कानून हाथ में ले लेंगे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इन लोगों को भी अंदर करिए। यही लोग तो हैं जो बाकी लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो। सुनील जी, मैंने जिस तरह की बात आपको कही थी कि इस तरह की घटनाएं समाज में रोष और खौफ दोनों चीजें पैदा करती है, तो जो रोष होता है वो समाज के कुछ लोग हैं उस रोष को और ज्यादा भड़का देते हैं। अब देखिए, ये जो वक्तव्य की बात मत कराइए आप, शांति का बात ये कि सत्ताधारी जो बोलने रिएक्शन रिएक्शन करने, ये बात बता रहे। बिल्कुल हाँ जी 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 सुनील जी, सुनील जी देखिए, जिस तरह की बात आपने कही थी, मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि मैं राजनीतिक कोई बात करूं, लेकिन श्याम झा जी ने बात छेड़ी थी उसका जवाब देना भी यहाँ बनता है कि आप किस तरह ना, ना जो बात राजेंद्र सिंह शेखावत जी और खंडेला जी जो लगातार कह रहे हैं कि अपराध बढ़ता हुआ, अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए, ये कोई ऐसा तो नहीं कि भैया ये कोई नई बात बता रहे हैं, इन्होंने वही तस्वीर बताई जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं वहाँ। नहीं बिल्कुल नहीं, वो बेवकूफों के कह रहा है मैं कानून हाथ में लूंगा, कानून करने वाला क्या कर लेगा, इसका जवाब दो ना आपको। सुनील जी देखिए, मैंने आपको कहा कि समाज में कुछ लोग होते हैं जो उस रोष को और भड़काते हैं, उस रोष को दबाने के लिए समाज के हर एक व्यक्ति को ये चाहिए कि किस तरीके से हम पीड़ित परिवार की मदद कर सकते। अरे आदरणीय वो मत बोलिए, सरकार क्यों नहीं कर रही है आपके आदमी के विरोध में, और हम ये जानना चाह रहे हैं काम कर रहे हैं तो उसको आप ही चाहिए, खून चाहिए। ठीक है खंडेला जी, धैर्य रखिए थोड़ा सा, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को। संगीता जी जी, आखिर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई क्यों नहीं, कुत्ते चोरी हो जाए, इस बात के लिए मैंने भैंस चोरी हो जाए, उसमें हमने देखा है तत्काल प्रभाव से पूरा प्रशासन हिल जाता है। रायन सिंह जी, शेखावत जी इस बात को कहीं ना कहीं बताएंगे कि कैसे कैसे क्या लाते हैं। सुनील जी, समाज की बहन बेटी सर्वप्रथम होती है, वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है और किसी की पत्नी भी बनी थी। कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन दी हमको, क्या इन्फॉर्मेशन दिया था आपने बैठक में प्रशासन ने कि लड़की बहन भी होती है, बाबा पहली बार पता लगा हमको। आपको वो ये आश्वासन दिया है, डीजीपी ने आश्वासन दिया है, तो उस बात पर आप विश्वास तो रखिए। डीजीपी खुद कह रहे हैं कि ये आश्वासन बीजेपी के कार्यकाल में अगर मिलता तो धैर्य रख लेती हैं आप। ये संगीता गर्ग, धैर्य रख लेती हैं। सुनील जी क्या कह रहे हैं आप, महादेव जी भी बीच में बोल रहे थे, मैं धैर्य रख लेती हैं आप। अगर यही घटना दुर्भाग्यपूर्ण से अगर श्याम सुंदर झा जी के समय में हो जाती तो डीजीपी आते सामने तो धैर्य रख लेती हैं आप। देखिए मैंने कहा जो आज धैर्य की घुटी पिला रही है जनता को भी, लोगों को भी, सर्वप्रथम है और उसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से तत्पर रही है। अभी आप देखिए प्रदेश में आंधी अंधड़ और वर्षा से जिन लोगों की मृत्यु हुई, उन मृत्यु के लिए आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने डायलॉग से संगीता गर्ग बहस को डायलूट मत करिए, बात नहीं कह पाऊंगी। देखिए सुनील जी, मैं बात नहीं कह पाऊंगी, अभी आचार संहिता की बात कर लीजिए। ठीक, मैं तो वही सवालों के जवाब दे रहा हूँ, छोटे से मासूम से सवाल मेरे, मैं इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा। हाँ बोलिए, मैंने आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी तत्पर है, त्वरित कार्रवाई करेगी, प्रशासन इसमें पूर्ण रूप से लगा हुआ है, डीजीपी ने आपको आश्वासन दिया है, अब बहस बंद कर दें।
उसका मैंने आपको जैसा उदाहरण दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा है कि जो ये आंधी अंदर से जो ये गलत कहा है, उन्होंने आजादा की बात पहले करी थी। गलत बात अगर संगीत अगर गलत बात आपकी बात आई आ गई। श्याम सुंदर झा जी, खंडेला जी और शेखावत जी के भी पास लौटूंगा, लेकिन एक ब्रेक लूंगा छोटा सा, उसके बाद समझूंगा कि आखिर कहां पेच फंसा हुआ है, इस मसले में त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार खाकी का इकबाल क्यों कायम नहीं हो रहा है और क्यों पुलिस सवालों के घेरे में है, पुलिस की क्या मजबूरी है कि पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही। समय बीत चुका है इस घटना को, एक दुल्हन को अगवा कर लिया जाता है। पैनल में खास मेहमान लगातार मौजूद हैं, एक बार फिर से रुक करते हैं इन मेहमानों का। झा साहब, क्या मजबूरी है पुलिस की, आप ही बता दीजिए, 5 साल रहे हैं आप। हमारे 5 साल में अगर आप देखेंगे छुटपुट घटनाओं के बाद बड़े कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल जैसे कुख्यात गैंगस्टर, इनामी गैंगस्टर का भी इनकाउंटर किया गया। यहां संरक्षण मिला हुआ है अपराधियों को और सरेआम दिन दहाड़े एसपी के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है। एसपी जो कि एक जिले का पुलिस अधीक्षक, उससे पुलिस अधीक्षक से अपराधी नहीं डर पा रहा है, तो आम कांस्टेबल और थानेदार की तो क्या दशा होगी। आप ये बात कहकर कटघरे से बाहर, आप ये बात कहकर कटघरे से बाहर हो जाएंगे। आपको लगता है कि आपने बिल्कुल अपना 5 साल में सब कुछ ऐसे किया जैसा कि जनता चाहती थी? सुनील जी, अगर हमने 5 साल में अगर कुछ खामियां रखी होंगी इसीलिए आज हम विपक्ष में बैठे हैं। आज दूसरा रास्ता भी है, ठीक है, आपकी बात आई, ठीक है, तो हम भी दूसरा रास्ता भी देख लिया। समझ जनता ने, समझ गई जनता ने, इनको चुन के भेजा, गलतियां हुई इसलिए विपक्ष में है, ठीक है। अपने खंडेला जी, बेटे को भविष्य बनाए जी। ऐसी क्या मजबूरी कि डीजीपी जब बाहर आए मीडिया के सामने और ये कहें कि कुछ अनसुलझे पहलू हैं, अनछुए पहलू हैं, उनको बाद में बताऊंगा, हमने टीम गठित कर दी है, मामला लगातार आख्या चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है, नाम दर्ज रिपोर्ट है। देखिए, अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितने दबाव में होते हैं, कितने भीरू प्रवृत्ति के होते हैं, भविष्य में कहां कहां मेरे को तरक्की मिलेगी इसके बारे में सोचते हैं और जनता के बारे में नहीं सोचते। एक बात तो ये कहना चाह रहा हूं, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये दोनों जो है ना बार बार झगड़ते, मैं एक ही बात कह रहा हूं हमेशा, यानी देश में दो राजनीतिक दल है, एक सत्ताधारी और एक सत्ताकांक्षी, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। इधर से उधर हो गया उसमें नेचर में एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सारे के सारे संवेदनता से बात करते हैं, केवल अपने सत्ता में बने रहने की बात करते हैं। जिन निर्णयों को अगर हाईकमान ने कह दिया 10 दिन में पूरा करना है तो 2 दिन में पूरा कर देते हैं, और जनता कह रही है तुरंत करो, कानून हाथ में दूंगा, खून कर दूंगा, अर्थी चाहिए, उसके बारे में कुछ नहीं कर पाते। आप मुझे बताइए, दुर्भाग्य से मैं भी यही कहूंगा, ठीक है। आज जो खंडेला जी, एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। चित्रकूट में, आपके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ एक मसला आया सतना चित्रकूट का, एक व्यवसायी के 2 बच्चों को दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया, बिल्कुल, लेकिन उन बच्चों की लाश घर पहुंची। कितना धैर्य रखे जनता, इंतजार करते करते पुलिस आश्वासन देते देते ये थक गई कि धैर्य रखिए हम ढूंढ रहे हैं, धैर्य रखिए हम कर रहे हैं व्यवस्था, लेकिन हाईटेक होती पुलिस उन नौनिहालों को जिंदा नहीं लेके आ पाई। कैसे इनकी यकीन हो जाए कि बिटिया घर सकुशल वापस आ जाएगी, कोई है लिखित में पड़त में देने वाला इस बात का जवाब? संगीता गर्ग क्या हस्ताक्षर करके दे सकती है कि बिटिया सकुशल आएगी? आप कह रही है धैर्य रखिए, प्रश्न उठाया ना, तो मैं आपको उत्तर भी दे रहा हूं जी। इस तरह की वारदात होती है उसमें व्यक्तिगत तौर पर माँ बाप रिश्तेदार जाकर ले आते हैं, मतलब अटैची टाइप कुछ ले जाते हैं और उसके बाद हाथ पकड़ ले आते हैं, इसके अलावा पुलिस कुछ नहीं कर सकती। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, अब इसके बारे में आपने कहा ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, और जो जिस बात का पता है उसको वो कह नहीं पा रहे हैं। अब जो कह पाएंगे तो बबेरा मच जाएगा। अब सवाल है कि वो ये कह रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शन ये जहां तक मैं समझता हूं, अभी आप रहने दीजिए, इलेक्शन है, अभी इसको निमटा देंगे, 1-2 दिन में अपना आप शांत हो जाएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक प्रश्न ये भी पूछना चाह रहा हूं, जो कि सामयिक, इसलिए जो बच्ची गई है वो छोटी थी, तो क्या वो माइनर थी क्या? मेरा प्रश्न ये, अगर वो माइनर थी तो मैं कह रहा हूं बेखौफ ओवर है जनता पूरी, यानी आप कानून बनाते रहिए, आप लागू करने की बातें करते रहिए, हम कोई परवाह नहीं करते आपकी, क्यों? क्योंकि आप तो वोटों की भीख मांगने वाले हैं खाली, और आपकी कोई हैसियत नहीं है।
ठीक, ये जो धारणा बन गई है ना, इसलिए वास्तव इस प्रकार के काम हो रहे हैं। ठीक, और सब बातें जो कुछ हो रहा है, देखिए एक सेकंड में लूंगा आपको, ये जो हुआ ना सर, ये आइसोलेशन अपराध नहीं है। ऐसे ही लोग दूसरे तरह के अपराध करते हैं, पकड़ने के करते हैं, या जो अपहरण करने के करते हैं, या मुद्रा लेने की करते हैं, जमीनों को खाली करवाने का करते हैं, जमीनें दिलवाने का करते हैं। और मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास में उदाहरण है, और मैं सेका वाटी का इसलिए कह रहा हूं आपसे। ठीक, और इसलिए जो है ना ये सशक्त है। ठीक, देश में, देश भर का मैं जिक्र करूंगा, देश में ऐसी कहीं कोई विषम परिस्थितियां नहीं, ऐसा कहीं कोई संकट नहीं। बाकी ग्रहों पर तो मैं गया नहीं, मंगल ग्रह और वहां तो मैं गया नहीं, मैं देश की बात कर रहा हूं। देश में ऐसी कहीं कोई विषम संकट नहीं, विषम परिस्थिति नहीं, जहां पर खाकी अगर ये ठान ले कि मुझे अपने इलाके को, अपने शहर को अपराध मुक्त बनाना है, तो कोई रोक दे उसे। नहीं कहीं कोई संकट, लेकिन नहीं, पहले ये देखना है कि मुझे कौन सा थाना मिलेगा, कौन सी चौकी मिलेगी, कौन से हलके में कहां मलाई ज्यादा है, कहां मिठाई ज्यादा है, कहां से कैसे रोज घर पर सारी व्यवस्थाएं। ये बाकी सुविधाएं भी तो पूरी होंगी ना, काजू बादाम, सुबह नाश्ते में जूस, ये सारी चीजें भी तो पूरी होंगी ना, जरूरत है। चलेंगे तो एसी, रुकेंगे तो एसी, इसके लिए कहां से आएगा। शेखावत जी, एक जिले का कप्तान, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी अगर ये ठान लें कि सरकार की योजनाओं को जिलाधिकारी को अमलीजामा पहनाना है और कानून व्यवस्था को पुलिस अधीक्षक को दुरुस्त रखना है, तो क्या मैं मानूं ऐसा कि अपराध पर अंकुश नहीं लगे, अगर ठान ले तो? दोनों ही बड़े, दोनों जिम्मेदार पद बैठे हुए, आईएएस आईपीएस। नहीं सुनील सिंह जी, आप कह रहे हो बात सही है कि अगर दोनों ठान ले, एक कानून व्यवस्था के लिए और एक पूरी जो आपकी कार्यक्रम योजनाओं को लागू करने के लिए, कलेक्टर चाहे तो लागू हो सकती है। परंतु आप ये देखिए, अब ये कलेक्टर एसपी उस दर्जे पे रहे नहीं, अब ये तो खुद बेचारे अपनी पोस्टिंगों के लिए नेताओं के दरबारों में सुबह सुबह हाजिरी भरते देखते हैं। वो बीजेपी आ जाती है तो बीजेपी के नेताओं के पहुंच जाते हैं, कांग्रेस आ जाती है तो कांग्रेस के नेताओं के पहुंच जाते हैं। इन्होंने कोई मर्यादा नहीं रखी, ये कोई अपना डेकोरम नहीं रखते। बस इनको जिला चाहिए, जिला इसलिए चाहिए कि वहां इनको पूरा साम्राज्य मिलता है, वहां इनको पूरा एक तरह से पैसे खाने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। इसलिए इनकी गरिमाएं गिर चुकी है, इन्होंने पद की गरिमाओं को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। वरना तो ये बात सही कह रहे हो आप, ठीक बात। ये एजेंसियां अगर काम करना शुरू कर दे तो किसी की आवश्यकता नहीं है, ना किसी के आशीर्वाद की जरूरत है। परंतु क्या है कि इनकी आत्मा मर चुकी है, ये केवल भ्रष्टाचार करने के लिए, अपनी पोस्टिंग कायम रखने के लिए, अपना रोब रुतबा रवाब साधन मकान बंगले गाड़ी घोड़े रखने के लिए किसी भी सीमा तक चमचागिरी के लिए तैयार है, और उसके लिए इनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखा हमने, बिल्कुल नगर इनको साफ करते हुए देखा, बस हालत यही है। अब इन्होंने अपनी मान मर्यादा ही कम कर दी, अब इनसे आप ये अपेक्षा करो कि ये जिले में अपना इकबाल कायम कर ले। अब वो हालत है जो ऊपर से लेकर नीचे तक ये चल रही है, तो अब वो बेचारा सिपाही क्या करेगा, और एक और पहलू, वो थानेदार क्या करेगा। शेखावत जी, ये एक और पहलू, दूसरा ये, मैं उन ईमानदार और उन कर्मशील जो पुलिसकर्मी है, जो मेहनत बस काम कर रहे हैं लगातार, जिनकी उस मेहनत पर, उस धुरी पर व्यवस्था दुरुस्त है, मैं उनको सलाम करता हूं, और उनके लिए ये कहता भी हूं जरूर कि ऐसे लोग जो है ज्यादा दिन सिस्टम में एक जगह नहीं रुक पाते। कईयों ने बीड़ा उठाया, कईयों ने बीड़ा उठाया, उनके तबादले होते रहे, हर 20 दिन हर 25 दिन कप्तान बदलता रहा, बोले मनपसंद नहीं है, हटाओ उस अधिकारी को, विधायक ने शिकायत करी जाकर, वह कैसा एसपी भेज दिया आपने, सुनता ही नहीं मेरी, बोले हटाओ ट्रांसफर करो इसका। संगीता गर्ग जी, यही हालात रहे, आप तो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन जो मैंने इसीलिए पूर्व पुलिस अधिकारी के लिए बोला चर्चा में कि भैया एक सिस्टम का कोई ऐसा व्यक्ति बिठाया जाए जो चीजों को बताए राजनेताओं को, राजनेता जानते सब कुछ है, मानते नहीं। देखिए सुनील जी, मैंने आपको जैसा कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी मुद्दे पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है, और उसी हमें अभी 4-5 महीने सरकार बनाए हुए हैं, और उसमें आपने देखा होगा कि जो तुरंत कार्रवाई करने की जो चीजें हैं वो आपने देखा होगा, चाहे किसानों का कर्जा माफ करने की बात रही हो, चाहे अभी वर्षा जनित जो लोग
जो दर्शक है वो आपसे ये बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि संगीता गर्ग जब बोलेगी, संगीता गर्ग जब कहेंगी तो कुछ ऐसी बात कहेंगी जिससे कि हमें आत्मसंतुष्टि मिले, लेकिन आप कह रही हैं किसानों का कर्ज माफ। आप मेरी पूरी बात सुनेंगे? सुनील जी, मैंने आपको कहा कि आगे मैं बढ़ रही, उससे पहले आप मेरी बात रोक देते हैं ना, तो उतनी बात, उतनी बात, उससे चर्चा में थोड़ा सा बना रहे डेकोरेंडम, उतनी बात। देखिए मैंने आपको कहा कि हमारी प्राथमिकता क्या है, महिलाएं भी हमारी प्राथमिकता, उसी में प्राथमिकता ये थी कि महिलाओं की सुरक्षा, उनकी उनकी जो सशक्तिकरण, उनका स्वावलंबीकरण, ये सारी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है। उसी के तहत आपने देखा कि महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं। पार्टी को छोड़ो, पार्टी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ आपकी पार्टी पर कोई सवाल नहीं। खाकी का इकबाल जैसा कि शेखावत जी ने बताया कि भैया पद की गरिमा नहीं छोड़ी इन लोगों ने, इन पर ही कार्रवाई कर दो। चलो आप ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, आप अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहती हैं, इन पर कार्रवाई कब, इन पर शिकंजा क्यों नहीं? जहां ये वारदात हुई वहां के थाने हल्का इंचार्ज को, वहां के सर्किल ऑफिसर को तलब किया, कहां थे ये लोग? मैं आप सुनील जी, मैंने आपको कहा कि जो डीजीपी, जो प्रदेश के मुखिया हैं, इस बात के लिए खुद कह रहे हैं कि है ना, हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, तो आप विश्वास तो रखिए कि होगी। जब प्रदेश का मुखिया ये बात कह रहे हैं, और आपने देखिए पुलिस मुस्तैदी से इसमें काम करके आपके सामने रिजल्ट भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई देरी होगी। भरोसा दे सकती है, मैं मानता हूँ उस बेबस परिवार को भरोसा दे सकती है संगीता जी कि आपकी हाईटेक पुलिस, आपकी हाईटेक पुलिस बिटिया को सकुशल वापस ला देगी। आप अगर ये बात बोलेंगे तो आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप अपने गिरेबान में एक बार झांक कर देखिए कि आपका कार्यकाल कैसा है, आपका झा साहब बड़ी सार्थक बहस चल रही है, इसको सार्थक रहने दीजिए, बीच में इंटरप्ट नहीं, विषय भटक जाएगा मेरा। ये गंभीर मुद्दा है, एक परिवार की बिटिया गायब हुई है, उसने बड़े अरमानों के साथ डोली में बिठाया उसे, आपको जरा सा वक्त मिले आप लोग शुरू हो जाते हैं अपनी अपनी योजनाओं को लेकर। झा साहब जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई क्यों नहीं हुई उन लोगों पर जिनकी जिम्मेदारी थी उस हलके की, उस इलाके की, और जैसा खंडेला जी ने बताया कि वहां तो भैया गैंगस्टरों को पाला जा रहा है, और शेखावत जी कह रहे हैं कि जेलों में हमला हो रहा है। कांग्रेस सरकार का है, अपराधियों का संरक्षण ही सरकार का है, विपक्ष के नाते आप क्या कर रहे हैं? अब तो मान लीजिए चलो विपक्ष में है, आप क्या कर रहे हैं? कल हमने जाम का रखा है, रोडों पे उतरेंगे, अगर बेटी उनकी वापस नहीं पहुंच पाई तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, चलने नहीं देंगे सरकार को। पूरी सरकार जोधपुर में जाके बैठी है और पूरा ये अलग पहलू हो गया, बचा के बैठा है, ये अलग पहलू हो गया। सरकार चलाने के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया था, आपको सरकार में लेके आए और आप जोधपुर में जाके बैठे हैं, आप उसमें अपना राजनीतिक हित देख रहे हैं, आप उसमें अपना राजनीतिक हित देख रहे हैं, आप उसमें अपना राजनीतिक हित देख रहे हैं। संगीता गर्ग, जब आपका नंबर आएगा तब आप बोलिए, अभी नहीं, मैं बैठा हूँ सवाल जवाब। मैं आपको एक चीज बता दूँ, नहीं नहीं, मैं आऊंगा संगीता गर्ग, बार बार पार्टी का विपक्ष है, ये मजबूत विपक्ष है, ये बार बार इस बात को कह रहे हैं, हम आपकी सरकार, सरकार जोधपुर बैठी है, सरकार जोधपुर बैठी है, मुख्यमंत्री जी बेटे के लिए काम बिल्कुल बैठी है। सुनिए, मुख्यमंत्री जी की पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है और पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं, बेटे के लिए जोधपुर नहीं है। अगर आपको जानकारी नहीं हो तो आपके लिए बता दूं कि मुख्यमंत्री जी जोधपुर नहीं है, वो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है। आप इस बात को जान लें, आप दोनों की बात आई, ठीक है। संगीता जी, झा साहब, अब रुकना होगा। खंडेला जी, जी जैसा कि आपने बताया लगातार, और शेखावत जी भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि भैया खाकी का इकबाल तो कायम है ही नहीं उस इलाके का। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, जिस इलाके की आपने बात करी, उस इलाके में जो वहां पर पेट्रोलिंग में रहते हैं ना सिपाही, अब तो होमगार्ड वाले भी सक्रिय हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की है, जो पेट्रोलिंग पर रहते हैं उनकी निगाह में सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। मैं सबसे नीचे जा रहा हूं, सबसे नीचे जो पेट्रोलिंग पर रहते हैं, छोड़ दीजिए कप्तान साहब को, एसपी को छोड़ दीजिए, वो लोग, उनको पता है कि कहां कहां क्या क्या हो रहा है शहर भर में। जैसे नगर निगम का हमला नहीं, अंडे की ढकेल लग जाती है, गुमटी लग जाती है तो निगाह रखता है, बोले पैसे नहीं दिए हटाओ इसकी गुमटी, ऐसे ही निगाह रहती है उन लोगों की, उनको मालूम है कहां कौन कौन पनप रहा है, लेकिन सब कुछ वहां
जेबें गरम हुई, मिठाई का डब्बा लिया, बोले भैया जयराम जी की। कैसे अपराध? मैं आपसे, मैं आपको फिर कह रहा हूं आपसे, क्योंकि मैं जानता हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं। बल्कि आपने कहा ना कि जो नफरी घूमती रहती है उनकी परमिशन लेकर जाते हैं, उनको इन्फॉर्म कर जाते हैं, और उसके बाद में जो भी बंटवारा है वो हाथों करते हैं। अगर इस प्रकार की व्यवस्था बिगड़ चुकी है, और इसलिए आप क्या, अब देखिए एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, अभी दोनों दल वाले क्या कह रहे थे साहब ये पुलिस वाले, अब मैं एक बात आपके साथ उदाहरण कह रहा हूं, मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, और लेने के बाद में पहले से ये दूसरे दिन मैं टिकट के लिए लाइन में लग गया। अरे भाई इसका मतलब तुम पुलिस प्रशासन चला रहे हो या राजनीति करने के लिए गोटियां बैठा रहे थे? ऐसे लोगों को इंटरटेन कौन कर रहा है? कांग्रेस भी कर रही है और बीजेपी कर रहे हैं और दूसरे भी करेंगे। इसका मतलब क्या, आपका कोई मतलब नहीं लॉ एंड ऑर्डर से, आपको केवल सत्ता प्राप्त करनी है, इसके लिए जहां गिरना है गिर जाएंगे, जिसके चरण पकड़ने पकड़ लेंगे, और जिसको जो ध्वस्त करना ध्वस्त कर देंगे। अब मैं एक बात, जो कानून व्यवस्था की बात आपने करी, एक बात मैं कह रहा हूं कि जो भी कुछ होता है वो बड़े बड़े से बड़ा अधिकारी, मैं आईजी के बारे में तो कुछ नहीं कहता, लेकिन थाने तक आप सीमित रहिए, थाने तक में सारी की सारी बातें एडजस्ट होती हैं, कहा जाता है, उसके बाद में आगे जो अपराध होता है, अपराध होने के बाद में ये कहा जाता है किसको, जिसके विरुद्ध में अपराध किया है, भाई देख ले मैं तो कहीं कर ले ला, मतलब मेरे भरोसे मत रहना, अगर मेरे जाने के बाद में तेरा कुछ हो गया तो। अब मुझे बताइए वो निहीर बेचारा जो जिसका कोई सगा नहीं है वो क्या करेगा? वो यही करेगा। अब एक बात, अब ये संगीता जी यहां पर बैठी हुई है, अगर कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा, एक कार्यकर्त्री है जयपुर में, वो इस खुलेआम ये कहते कुछ पर्दे रहने दो, आज वो पर्दे में नहीं उठाऊंगा, कुछ पर्दे रहने दो, मेरे पास भी पूरी लिस्ट पड़ी है, अगर चाहूंगा तो कई लोगों को बेनकाब कर दूंगा, लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस मोह को, इस लालच को जब तक राजनेता नहीं छोड़ेंगे, जब तक सफेदपोश नहीं छोड़ेंगे कि थाने से भी चाहिए, चौकी से भी चाहिए, बोले हल्का से भी चाहिए, इलाके से भी चाहिए, तब तक राजनेता अगर ये बात नहीं खत्म करेंगे, और वहां जी हुजूरी होनी चाहिए, नेताजी पहुंचे तो थाने में बकायदा कुर्सी लगाए दरोगा, तब तो ठीक, अगर दरोगा ने सल्यूट नहीं मारा तो नेताजी नाराज, बोले हटाओ इसे, ऐसा ही है ना शेखावत साहब? नहीं सुनील जी, आप कह रहे हो जो सही कह रहे हो, आप ये देखिए कि वो जो सलूट मरवाने के लिए ही तो क्या होता है, अभी सरकार बदली थी 4 महीने पहले, आप ये देखिए 4 महीने पहले सरकार बदली थी, जब सरकार को ये सोचना चाहिए था कि भाई जनता ने हमारे ऊपर विश्वास पैदा किया है, हमारे को मौका दिया है जनता की सेवा करने का, हमको बहुमत दिया है, हम कोई काम करके दिखाएं। पर इन्होंने मालूम है पहला काम क्या किया, रातों रात लिस्टें निकालना शुरू किया, कर्मचारियों की कर्मचारियों की लिस्ट, मतलब आप ये देखिए बस इन्होंने तो ये परिवर्तन कर दिया कि वहां रामलाल लगा हुआ था वहां श्यामलाल को लगा दिया, और श्यामलाल लगा हुआ था वहां रामलाल को लगा दिया, बिल्कुल बस ये इन्होंने पूरी व्यवस्था का परिवर्तन कर दिया, मालूम है पूरी ब्यूरोक्रेसी हाहाकार मचाने लग गई, पूरे कर्मचारी हाहाकार मचाने लग गए, काम धंधा छोड़ के एमएलए मिनिस्टरों के घरों में पड़े हैं कि कैसे कैसे हमारा रास्ता हमारा ट्रांसफर रोको, वो बेचारे काम धंधा छोड़ के इनकी सेवा में पड़े हुए हैं, कोई कांग्रेस के नेता को पकड़ रहा है, कोई एमएलए को पकड़ रहा है, कोई एमपी को पकड़ रहा है, अरे ऐसे कैसे सरकारी कर्मचारी काम करेगा, आप ये सोचिए, जिसका भविष्य है वो सुनिश्चित नहीं है कि वो अपनी जगह जहां नौकरी कर रहा है वहां नौकरी कर पाए, इन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण कर दिया, उसको कांग्रेस में और भाजपा में बना दिया, जो पहले काम कर रहे थे वो भाजपा के थे, उनको इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, इनको हटाइए तुरंत हटाइए, अब नए लाइए अधिकारी, ये है, अब ये हमारे कांग्रेस के अधिकारी है, ये फैक्ट है, ये क्या राजनीतिकरण हो रहा है, सरकारें आई क्या इसी से व्यवस्था बदलेगी? अरे भाई पहले अपने आप को बदलिए आप, बिल्कुल आप ऐसा, आज तक मैं आपको बताऊं सुनील सिंह जी, सन 1947 से लेकर आज 2019 हो गया, एक भी एमएलए, एक भी एमपी, एक भी मिनिस्टर आज तक कभी भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं पकड़ा गया, आज तक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने एक भी नेता को नहीं पकड़ा, चोरी पकड़ा जो सब ईमानदार है, वो सारे के सारे ईमानदार है, ठीक बात, उनको प्रमाण है एंटी करप्शन ब्यूरो का, ठीक, कि राजनीति में राज करने वाले सब लोग ईमानदार है, संगीतागर, और जो भ्रष्ट है वो सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, संगीता कर्मचारी है सारे के सारे, ठीक 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 बात, शेखावत जी रुकिए, संगीता गर्ग जी, न चाहते हुए भी
इस मसले में राजनीति इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि ये मसला ही राजनीति से जुड़ा हुआ है। मैं सोचा कि इस बार राजनीतिक चीजों को थोड़ा दूर रखूंगा, मैं कानून को ही रखूंगा, लेकिन कानून क्या करे, खाकी तो पहले ही सफेद कुर्ते के ऊपर चढ़ी है, समस्या तो ये है। सुनील जी, आप अभी श्याम झाजी ने इस बात को कुछ स्वीकार किया था कि हमने कुछ काम नहीं किया इसलिए हमारी सरकार गई, तो अब जब प्रशासन में कुछ कमियां और खामियां रही होंगी कि 5 साल तक काम नहीं हो रहा था, जनता में त्राही त्राही मची हुई थी, तो संगीता गर्ग जी को जो सवाल शेखावत जी उठा रहे हैं, जो खंडेला जी उठा रहे हैं, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब चाहिए मुझे। आप झा साहब को लेकर आपने जो बात करी है वो यही बात करिए ना, आप जवाब दे रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो व्यवस्था उठाई कि आते ही कोई भी सरकार हो, बोले पहले अधिकारियों की कर्मचारियों की लिस्ट तैयार होती है, बोले भैया ये बताओ यहाँ अपना अपना कौन है, सबको निमंत्रण दे दो, बोले कल से आपकी पोस्टिंग वहाँ, ये व्यवस्था अगर जारी रहेगी तो कैसे ठीक होगा। पिछले सरकार में जहाँ जहाँ जो ब्यूरोक्रेसी लगी हुई थी काम नहीं कर रही थी, तानाशाही रवैया अपनाया हुआ था, तो जनता के हितों के लिए और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए जो ब्यूरोक्रेसी को बदला गया वो जनता के लिए बदला गया भाई। सुनील जी, अरे तो जो काम नहीं कर रहे थे उनको बर्खास्त करो, उनको सस्पेंड करो, उनके खिलाफ जांच करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, ट्रांसफर से क्या होगा, उनका ट्रांसफर से क्या होगा, कहिए दंडित करें उनको जो काम नहीं कर रहे थे। ठीक ठीक है, स्वीकार किया था कि हमारी खंडेला जी आने दीजिए, बात चले गए, आने दीजिए। अब वो प्रशासन को क्यों बदला गया, वो इसी के तहत बदला गया कि जनता के हितों पर जब कुठाराघात होता है, प्रशासन काम नहीं करता तो प्रशासन को बदलना भी एक जरूरी हो जाता है। मैं भी आपको बता दूं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं वो शायद पिछले 5 सालों में जितनी हुई है शायद कभी इतिहास में कभी नहीं हुई। महिलाओं की 2 साल की बच्ची बलात्कार और मर्डर के जुर्म में यूपी के भाजपा के विधायक ने बच्ची, आप उस पर क्यों नहीं बोलते, बातें ना छेड़े तो बेहतर होगा। मैं आ रहा हूँ आपके पास कि यूपी में एक विधायक ने बच्ची के साथ रेप किया, किस तरह की बातें आप यहाँ कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं हमारे पास भी कहने को बहुत कुछ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार की घटना राजस्थान में हुई इसने पूरे राजस्थान को शर्मसार किया और राजस्थान पूरे देश में तीसरे पायदान पर आ गया, घरेलू उत्पीड़न और अत्याचार की घटना। आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, आप अपने गृहबंध में जाकर देखिए। संगीता गर्ग जी, संगीता गर्ग जी, यहाँ साहब रुकना होगा, आ रहा हूँ आपके पास, चर्चा का वक्त लगातार बढ़ता जा रहा है, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आ रहा हूं, सबको मौका मिल रहा है अपनी अपनी बात रखने का। संगीता गर्ग ने एक सवाल उठाया, बोली सिस्टम में इतनी खामियां थी, इतनी कमियां थी, ये सारी व्यवस्थाएं को हमने दुरुस्त किया है, 2 महीने हुए 4 महीने हुए। संगीता गर्ग जी, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, जनता को त्वरित लाभ मिले, सुनिए, काम हो इसलिए आवश्यकता थी इस बात की। गर्ग जी, मैं ये जानना चाह रहा था इस बात की पराकाष्ठा को, इस बात की थ्योरिटी को, प्योरिटी को बड़ी जल्दी समझ लेते हैं राजनेता सिंहासन पर बैठने के बाद, कहां कहां कौन कौन कितना क्या क्या गड़बड़ कर रहा है, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि ये 5 साल में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, इस ध्वस्त व्यवस्था को मुझे कैसे दुरुस्त करना है, ये नहीं समझ पाते 5 साल में शिक्षा का क्या हाल था, मुझे नौनिहालों के भविष्य गढ़ना है, स्वास्थ्य का क्या हाल था, बिजली सड़क पानी क्या था जो आप वादे करके आए, इस पर अमल नहीं, उस पर होता है कि ये देखो कौन कौन सिस्टम में कहां कहां बैठा है, जो ले रहा था अब तक वहां भैया को बैठाओ। ये होता सुनील जी, देखिए राजनीतिक सुचिता को जिस तरीके से तहस नहस करके पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, ठीक है, अब तो आप है ना, बदलने के लिए अब तो आप आ गए, हितों को बरकरार रखने के लिए, तानाशाही को खत्म करने के लिए, उन किसानों को राहत देने के लिए और महिलाओं को राहत देने के लिए, आप आ गए कि हम त्वरित रूप से काम कर रहे हैं, तो कैसे आप एक तरफ ऐसी राहत मत दीजिए, हम ये कह रहे हैं जनता के प्रतिनिधि के रूप में कह रहे हैं ऐसी राहत मत दीजिए। अब तो आ गए आप, श्याम सुंदर झा जी, जो तमाम सारे आज इस डिबेट में, इस चर्चा में तथ्य क्लियर हुए, बोले भैया बड़ा असमंजस होता था पुलिस की तरफ, पुलिस की नहीं साहब, पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही, जो भी राजनीतिक दल हो जो सत्ता में है, बोले नहीं बिल्कुल बढ़िया काम कर रही पुलिस तो, लेकिन शेखावत जी ने, राजेंद्र सिंह शेखावत जी ने तमाम पहलुओं को उजागर कर दिया, तस्वीरें तो हम भी दिखाते हैं लेकिन मानते नहीं, फिर भी राजनेता बोले ना इसमें काट छांट की गई है, इसमें तो ऑडियो वीडियो में मॉफिंग की गई है, ये ठीक नहीं है।
लेकिन वो तो सिस्टम के बीच ही रहे, उन्होंने तमाम सारी चीजें कही बताया। जा साहब जी, सुनील जी, शेखावत जी ने जो बात कही वो कहीं ना कहीं वो सिस्टम में रहे हैं, वो सारी चीजों को समझते हैं और वो सारी की सारी जो भी बात उन्होंने कही वो उनके सिस्टम में रहते हुए उनका जो अनुभव है वो उन्होंने शेयर किया। बाकी चीजें खंडेला जी ने उजागर करी जी, इस क्षेत्र की मैं आपको बता देता हूँ, जो नेतृत्व होता है सरकार का, जो नेतृत्व होता है उसमें डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पुलिस से कार्य करवाए, पुलिस को पे दबाव ना हो, पुलिस को थोड़ा फ्री हैंड मिले। यहाँ स्थिति यह है, अपराधियों को खुली छूट दे रखी है। ना मुझे एक चीज समझाओ, गोली चलाई जा रही, मुझे एक चीज समझाओ झा साहब, मुझे ये बताओ, अपराधी खुले आप घूम रहे हैं। एक व्यक्ति मीडिया के सामने जाकर ये कहता है कि अगर बेटियां वापस नहीं आई तो कानून हम हाथ में ले लेंगे, बोले हम खून के बेटी के बदले डोली के बदले गोली, ये इस तरह की बोली भाषा क्यों? इस तरह की बोली भाषा कांग्रेस राज में खुले में बोली जा रही है और इनको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस सरकार को, और बड़ी बेशर्माई से करनी सेना हुई वो बयान दे या कोई और सेना हुई, सेना वालों को बंद कर देना चाहिए। अरे कार्रवाई चाहिए, आप मुझे माफ करें, आप मेरे को माफ करें, कार्रवाई करनी चाहिए भी आना है जी। अब मैं ये कह रहा हूँ केवल शर्म आने से क्या होगी, हम यहाँ अत्याचारियों को जरा बंद करवाना चाह रहे हैं, आप एडजस्टमेंट करके क्या करें, जब हम हो तो तुमको शर्मानी चाहिए, तुम हो तो हमको शर्मानी चाहिए। अब मैं एक बात आपके अरे आप शर्म का पर्दा ही चल रहा है आपका, जो खुले आम सर अब ना एक दो बातें आपसे कर रहे हैं, मैं हर होनी चाहिए, देखिए सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है जी जी, आदरणीय आदरणीय आपकी बात क्या, ठीक है ठीक है खंडेला जी, सर्वोच्च न्यायालय बहुत संक्षेप में, सर्वोच्च न्यायालय बहुत संक्षेप में, सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला है कि ये जो एमएलए एमपी और मंत्री हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं और इनको पर भी उसी प्रकार का ट्रीटमेंट होना चाहिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट पे होता है। अब मैं एक बात प्रश्न आपसे मूल प्रश्न रखना चाह रहा हूं, उस एरिया में आप संदिग्ध को पकड़ लिया तो संदिग्ध में कोई भी पंच सरपंच प्रधान कॉरपोरेट मंत्री संतरी क्यों नहीं है, मतलब उनके ऊपर संदिग्ध रूप से देखा क्यों नहीं जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरे जिस दिन आप सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को लागू कर लोगे उस दिन वास्तव में सकारात्मक परिणाम आना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, अच्छी बात कही आपने। संगीता गर्ग बहुत संक्षिप्त में इस चर्चा को मैं क्लोज करूं, बाइंड अप करूं, आपका भरोसा प्रदेश की जनता चूंकि इस कार्यक्रम को देख रही है वो ये चाहती है कि बेटी कब तक वापस आ जाएगी, ये ही नहीं कि डीजीपी आ गए हैं सामने, डीजीपी ने दे दी है आश्वासन और आश्वासन की घुटी, उससे जनता संतुष्ट नहीं क्योंकि इस घुटी के घुटी को पिलाने वाली पुलिस हमने पड़ोसी राज्य की देखी, दोनों बच्चों की लाश पहुंची घर 20 लाख देने के बाद भी, तो आप भरोसा कैसे देंगी जनता को? देखिए सुनील जी, डीजीपी ने आश्वस्त किया है और उस पर हमें विश्वास कायम रखते हुए कुछ ही समय में इसका परिणाम भी जल्द ही आपके सामने आ जाएगा, देश की बेटियां सर्वप्रथम। बाकी आप बताइए, डीजीपी तो दे दिए आश्वासन, आप बताइए। देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से बेटियों के लिए महिलाओं के लिए चिंतित रही है और सर्वप्रथम उनके लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए, मैं आपको जब कह रही हूँ तो आपको मैं क्या कहूँ कि मैं लाके दे दूँ? संगीता जी, जब हम कह रहे हैं कि प्रशासन और सरकार इसमें मुस्तैदी से काम कर रहा है और वो कर रहे हैं और उन्हें आश्वस्त किया है, मैं नाराज नहीं हो रही, लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं कि आप क्या कह रही, मैंने कहा कि सरकार और प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, इसमें आप विश्वास रखिए। अगर आप जाओ तो मैं बता दूं ये क्या कह सकती हैं, अगर आप जाओ और हमारी सरकार ने जितना महिलाओं के लिए किया है ना शायद किसी ने किया होगा, आप उठाकर देखेंगे ना जितनी योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए चालू करी है। संगीता जी, आज भी मैंने महिलाओं को सरकार मैंने आपको कहा कि जितनी योजनाएं महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने चालू करी किसी पार्टी ने रुकना होगा, अब रुकना होगा, रुकना होगा। संगीता जी, हुआ था ठीक है, मान लिया जिस तरह की दुर्दशा की गई ठीक है, संगीता जी की वो आप उठा कर ठीक है, संगीता जी अब रुकना होगा, रुकना होगा, रुकना होगा, पेंशन योजना ठीक है, हर चीज हमने आपकी बात आ गई। मैं दो लाइन बोल के इस चर्चा को खत्म करूंगा। संगीता जी ने कहा हमारी योजना इतनी सारी चली, संगीता जी जो जो योजनाएं चलाई उनके लिए साधुवाद आपको, जो जो आपने व्यवस्थाएं जिन जिन लोगों के लिए की उनके प्रदेश भर के देश भर के लोगों के लिए उस लिहाज से आपकी पार्टी को सलाम, लेकिन जिस जज्बे और जिम्मेदारी के साथ आप प्रदेश में आई, 5 साल का हाल क्या था, इसीलिए विपक्ष में बैठे हैं झा साहब,
उसके बाद अब टिप्पणी नहीं, उसके बाद अगर यह स्थिति हो जाए और 24 घंटे से ज्यादा का समय हो, डीजीपी एक कानून व्यवस्था के बड़े व्यक्ति विशेष को यह कहना पड़े कि कुछ पहलू हैं, उन पहलुओं को हम दूर रखेंगे, अनछुए अन पहलू हैं, वो पहलू क्या है, क्या पहलू है, वो उन पहलुओं को तो उजागर नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं उजागर किया जा रहा, और इस बात की क्या जिम्मेदारी है कि वह बेटी सकुशल वापस आ जाएगी। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, बेटी अभी कुछ पता ही नहीं, नामजद रिपोर्ट बावजूद इसके। पहले तो ये दो बातें कहूंगा, पहले तो ये कि कम से कम इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वहां के जो क्षेत्राधिकारी हैं डीएसपी यानी कि सीओ और वहां का जो थाना इंचार्ज, इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करिए। आखिर कैसे हौसले बुलंद हैं इन लोगों के, कैसे अपराधियों के जहन में खाकी का खौफ नहीं। अगर निचले स्तर से सर्जरी करेंगी, जड़ से चीजों को खत्म करेंगी, तो शायद ऊपर तक व्यवस्था दुरुस्त हो। संगीता जी, ऐसे मामलों में तो आपको संवेदनशील होना होगा और इन लोगों पर कार्रवाई होनी होगी। जब तक आप चाबुक नहीं चलाएंगी, इन लोगों में भय नहीं पैदा होगा। सरकार जयपुर से अगर कोई आदेश जारी कर देती है तो उसका अमलीजामा और धरातल पर ले जाने का जो जिम्मा है इन्हीं लोगों के कंधे पर है, और इनको आपको टाइट करके रखना होगा, इनको सबक सिखाना होगा, तब यह व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे, नहीं तो ऐसे ही यह सरकार की सत्ता की भद पिटवाते रहेंगे, धज्जियां उड़वाते रहेंगे। जिम्मेदार सरकार नहीं, जिम्मेदार वो सिस्टम है, जिस सिस्टम पे आपने इतना भरोसा करके रखा है, उस सिस्टम में आपको दुरुस्त करना होगा सिस्टम को। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। बिग बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।